यहाँ पर देख सकते हो काफी ज्यादा बड़ी, काफी ज्यादा लंबी, काफी ह्यूज बस जो है वो ये है। बट अंदर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 या 12 लोग ही बैठ सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलाओ अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ज्यादा लग्जीरियस गाड़ियां वगैरह देखी है, लेकिन ये जो वॉल्वो की मैंने बस देखी है इतनी लग्जीरियस कि मैं एक दफा मैंने मैंने ना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस तरह की होगी। यहाँ पर इंटीरियर जो है वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, काफी लग्जूरियस इंटीरियर जो है वो यहाँ पर रखा है। ऐसी प्रॉपर आपको बिजनेस क्लास 10 सीट जो है वो यहाँ पर मिल रही है। तो सबसे पहले तो ये जो वॉल्वो के पिलोज हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, ऐसे पैर लंबे करके यहाँ पर आप लोग बैठ सकते हो। यहाँ पे आप आराम से, अगर 12 ही बंदे हैं, आप आराम से चल फिर सकते हो, आप किचन जा सकते हो, घर ही समझो, घर ही है, 10-12 लोग हैं ऐसे चल फिर रहे हैं तो कोई नहीं, और जस्ट हो जाएंगे। इसमें बहुत बड़ी विंडो थी, मुझे इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों ही बहुत अच्छे लगे हैं क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, फ्रंट बहुत खूबसूरत है। इंडिया में मैंने ये चीज़ देखी कि जो गाड़ियाँ बनी है, चाहे वो आप मतलब वो कार्स में, मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्पेशली अगर हम बात करें कि जो नए हमें मॉडल्स देखने को मिलते हैं बहुत फ्यूचरिस्टिक आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप जो खाना ऑर्डर करेंगे तो यही किचन है जहाँ पर खाना बनेगा और आप लोगों को सर्व किया जाएगा। और ये कॉफी बनाने के लिए भी यहाँ पर मशीन जो है वो रखी गई है, नीचे रेफ्रिजरेटर जो है वो भी यहाँ पर दिया गया है प्रॉपर। हमें अपने आप को खुद इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, तो ठीक है इंडिया जो है उसकी ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन हम लोग भी पीछे नहीं है। लेकिन एक बात जिसको हमें देखना है कि वो ये है कि हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो हम अभी इतने बड़े नहीं हैं, हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो एक लेवल होता है, उस लेवल से हमें ऊपर आने की जरूरत है। तो आपको लिटरली एक अलग ही वाइब जो है वो देखने को मिलेगी। फर्स्ट टाइम तो लोग खड़े होकर देखेंगे ये कौन सी बस है, इतनी प्यारी बस। अगर किसी ने 8-10 दिन के लिए कहीं घूमने फिरने जाना है तो इस बस को बुक करें और सारे बीच में बैठे और अपना सामान लेके जाए, कुकिंग खुद की करें, कैंपिंग का सामान लेकर जाए। तो मतलब ये उनके लिए, इस वक्त हम डिवाइडेड है, हम हर चीज में डिवाइड है, हम किसी चीज़ के ऊपर भी हम एक नहीं हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि हमें एक होने की ज़रूरत है, हमें एक एज अ नेशन, जो नेशन हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दी थी वो नेशन आज नहीं है। अगर हम इस वक्त रॉकेट बना रहे हैं, तैयारे बना रहे हैं, तो बाकी प्रोडक्ट कौन सी ऐसी मुश्किल है, हमारे पास सब कुछ है। अगर किसी ने 8-10 दिन के लिए कहीं घूमने फिरने जाना है तो इस बस को बुक करें और सारे बीच में बैठें और अपना सामान लेके जाएं, कुकिंग खुद की करें, कैंपिंग का सामान लेकर जाएं। कैंपिंग के लिए बहुत मजे की, तो मतलब ये उनके लिए, ये आम रोड्स पे चलने के लिए बस नहीं है, जैसे कि रूट पे वगैरह पे तो हाईवे हो गया, हाँ रूट वगैरह तो होंगे, लेकिन ऐसे होते ना जैसे 12 बंदे हैं, बहुत ज्यादा लग्जरी मॉल चाहते हैं तो वो 12 सीटें बुक कराएंगे, गाड़ी निकल जाएगी, तो ये सीन है। अच्छा मैं एक चीज देख रहा था, क्योंकि मैंने ऐसी बसों पे बहुत ज्यादा ट्रेवल किया पाकिस्तान में, वहां पे ये वाली चीज तो नहीं है, नहीं है, नहीं। बट हर बस में ना 4 से 5 सीटें बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास को एक ही बस के अंदर एडजस्ट किया होता है। क्या है, तो बिजनेस क्लास में थोड़ा सोफा होता है, वो पीछे मुड़ जाता है, और जैसे इनकी सीट है ना वो पीछे चली जाती है, लेग स्पेस ज्यादा है। इसी तरह जो पहली 4-5 सीटें हैं वो बिजनेस क्लास बोल देते हैं, और उससे जो पीछे पीछे है ना उनको इकोनॉमी क्लास बोल देते हैं, और दोनों का रेट अलग है एक ही बस के अंदर। ये चीज मैंने पाकिस्तान में देखी, बिजनेस क्लास बस है ये तो, पूरी बिजनेस क्लास है बस है इसमें, यानी कि कोई वो नहीं है कि आपकी जो है क्या एक ही टिकट के प्राइस होगा, आप ये नहीं बताया इन्होंने फिर से। ये बड़ा मसला है कि हमें पता तो चले कि एक बंदे की अगर उसका पता लगे टिकट का क्या है, लेकिन वो जो एरिया रूट पे डिपेंड कर रहा होगा ना कि किस रूट का कितना फेयर है, किस रूट का कितनी, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ये हमारी ऑडियंस बता सकती है किसी ने अगर सफर किया क्या है, या क्या एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किलोमीटर के भाई इतने किलोमीटर का जो सफर है उस पे इतने चार्जेस होंगे। जैसे चिंगची पे होता है वो मीटर चलाते हैं, 12 किलोमीटर का जी इतना हो गया, वो अक्सर मूवीज में देखा है कि वो पैसे दे रहे होते हैं, तो इस तरह का इसका भी कुछ इस तरह का ही सीन होगा। और इसका पीछे जो किचन बना हुआ था, किचन, ओह माय गॉड, इतना कि उसमें कॉफी के लिए जगह थी, माइक्रोवेव। मैंने पाकिस्तान की किसी बस में ना किचन नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा भाई, मैंने तो उसमें नहीं देखा, ट्रेन में नहीं देखे होते हैं उधर, होते हैं, लेकिन मैंने नहीं इस तरह से देखा। और वॉशरूम भी है जिस तरह एरोप्लेन की में होता है। उसके अलावा सबसे जो मजेदार चीज है ना वो है कि 10-12 बंदे इसमें सफर कर, बिल्कुल खिच झंझट, सर दर्दी कोई नहीं, इधर से बच्चा रो रहा है उधर से, वो गिर रहा है, बार बार होता है ना कि आपके टर्मिनल पे रुक रहे नहीं आए, हाँ। तो बिल्कुल अपनी डेस्टिनी पे जाके आराम से रुकेगा। और जो वो सारे ड्राइवर बात कर रहा था, वो उसकी वॉल्यूम कम थी, लेकिन उसने सारा बताया था कि अगर आप थोड़ा सा भी गलत करते हो तो वहां से आपको फॉरन से कंपनी के साथ कनेक्टेड है, और जो बीच में लोग बैठे हुए हैं वो भी कह सकते हैं
वो देख सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं, कहाँ पे बस चल रही है, वो देसी तरीका नहीं चलेगा, भाई साहब बताएं अगला स्टेशन कहाँ पे आना है। अच्छा, हाँ, जैसे उन्होंने वो एलईडी का बताया था कि आप देख सकते हो, आप ऑर्डर कर सकते हो, फूड ऑर्डर कर सकते हो, आप जो है उनकी जो मर्चेंडीज है वॉल्वो की, वो आप उधर से कुछ भी कर सकते हो, वो आपका ले आएंगे वहीं पे। और मतलब और अगर अपना खाना पकाना करना है तो अपना भी कर लो, थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, कॉफी मैगी। और अगर अगर आप खाना साथ लेके गए हो तो माइक्रोवेव ओवन पड़ी हुई है, आप गर्म करके खा सकते हो। तो यार ये बस है या घर है? मुझे एक्चुअली में ये बस बहुत मजे की लगी, और मुझे ना मुझे उस तरह का नहीं पसंद कि आप बस जल्दी से पहुंचे, मुझे होता है ऐसी बस होनी चाहिए, सुकून हो। अच्छा, ये आदत मेरी भी है। हाँ, मेरी आदत ये है कि मैंने कुछ दोस्तों के साथ देखा है कि अगर वो गाड़ी पे हो, बस पे भी कहीं, उनको बड़ी जल्दी होती है किसी तरह जल्दी पहुंच जाए। मैं कहता हूँ सफर का मजा ही वो है, अब रुको थोड़ी थोड़ी देर बाद, जैसे कि हमारे वो बने होते ना सर्विस एरिया वगैरह, वहां पे रुको, घूमो फिरो, खाओ पियो, फिर चले। तो जब मैं टूर पे भी जाता हूँ, ये टूर भी निकालता हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा ब्रेक्स देता हूँ। हाँ। और इन ब्रेक्स की वजह से जो है ना, मेरे क्लाइंट्स बहुत खुश होते हैं कि यार सफर इतना हम जाके नहीं खुश हुए जितना हम रस्ते में खुश हो गए। तो ये बड़ी चीज होती है, वाकई सफर होता ही इंजॉय करने के लिए, वरना बहुत सारे लोग होते हैं वो मूवी लगाई, देखा, पता नहीं चला 5 घंटे गुजर गए, तो वो फिर पता ही नहीं। बातचीत करो, उठो, थोड़ा बहुत इस तरह एंजॉय करो, लेकिन हमारी बसेस में ना उठने भी नहीं दिया जाता, कहते बैठे रहो अपनी सीट। और मुझे ना मुझे इधर एक डाइवो वाला ने फनी बात याद आ गई, अब ये पता नहीं सच है या ऐसे ही फनी चीज जैसे टॉन्ट होता है ऐसा बनाया हुआ है। तो एक हमारे पास है ब्रांड डाइवो का। हाँ, तो बहुत बड़ा ब्रांड। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों ने हो सकता है सुनी भी हो, पाकिस्तानियों ने सुनी होगी, हो सकता है शायद इंडियन में भी सुनी हो। तो डाइवो का ये है कि डाइवो रुकती नहीं है, लाइक रस्ते में ना अगर कोई कहेगा ना इमरजेंसी है तो वो नहीं रोकेगी, उधर वॉशरूम भी नहीं होता, वॉशरूम भी अंदर नहीं होता। अब उसमें एक बैठ गया जो है ना वो विलेज वाला। तो ये वाकया 90% मुझे लगता है लोग सुनाते हैं कि ये पाकिस्तान में हकीकत में हुआ था। हाँ। तो वो बैठ गया, उसने कहा मुझे इमरजेंसी है, मुझे वॉशरूम जाना है, तो रोके। उन्होंने कहा ये डाइवो है। हाँ। ये नहीं रुकती। हाँ। उसने कहा अच्छा, उसने एक दफा कहा, दो दफा कहा, तीस दफा कहा, फिर उसने उसके अंदर ही सुसु कर दिया। हाँ। तो उन्होंने कहा ये क्या कर दिया है? उसने कहा अगर वो डाइवो नहीं रुकती तो ये डाइवो है, ये भी नहीं रुकती। लेकिन देखे ना डाइवो में अब कितना ज्यादा आप हाँ। नहीं देखे, अगर एक जगह से दूसरी जगह सर्विस एरिया पे जाने पे भी ना आपके 2-3 घंटे लगेंगे। हाँ, और हो सकता है किसी को इमरजेंसी भी हो जाए बीच में, मतलब कुछ तो ऑप्शन हो। छोटा सा वॉशरूम तो हर बस में होना चाहिए था। हम ये नहीं कह रहे कि किचन हो और बहुत ज्यादा लग्जरियस एरिया हो, दो सीटें ना सही स्पेस हो हमारे लिए, ये बट एक वॉशरूम तो होना चाहिए बस में। तो फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि हम लोग तो हर जगह वॉशरूम बनाते हैं, लेकिन उन्होंने डाइवो में वॉशरूम नहीं बनाया। तो उसी से वही बात है, डाइवो भी नहीं रुकती और सुसु भी नहीं रुकता प्रॉपर। और ऐसे ड्रोर्स जो हैं वो भी रखे गए हैं, माइक्रोवेव भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अगर शायद आपकी पीछे पहचान हो जाए किचन में कोई काम कर रहा है उससे, तो आप चाहें तो खुद बना भी सकते हैं। बट सपोज इतनी लंबी बस है तो आपको जैसा टॉयलेट मिलता है एयरपोर्ट लाइक एरोप्लेन में, एयरक्राफ्ट्स में, वैसा टॉयलेट जो है वो भी यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। तो ऑन गोइंग बस में आप जो है ऐसे किचन यूज़ कर सकते हैं, टॉयलेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और सपोज़ ये कंप्लीट पूरी बस अगर आप बुक करवा के जाते हैं तो यहाँ पर आप कहीं अच्छी जगह लगा के इस बस को अपना पिकनिक स्पॉट वगैरह जो है वो पूरा एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है कंप्लीट वॉल्वो का नया कॉन्सेप्ट। कैसा लगा आपको ये बस, कैसी लगी? तो सर हैं अपने साथ में, और सर से मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ड्राइवर से रिलेटेड फीचर्स हैं, ड्राइवर के लिए क्या कन्वीनियंस यहाँ पर रखी गई, बिकॉज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी बड़ी स्क्रीन है और कई सारे फीचर्स हैं। तो सर प्लीज़ बताइए कि यहाँ पर क्या कुछ फीचर्स हैं और कैसे ड्राइवर कन्वीनियंस होके ये वॉल्वो जो है वो यूज़ करेंगे। बेसिकली वॉल्वो में हम ड्राइवर को ड्राइवर नहीं बोलते, हम बोलते हैं कैप्टन। कैप्टन, ओके सर। वो उसकी एक बहुत ही बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है ऑफ कोर्स सभी पैसेंजर्स को लेकर जाने की। सो बेसिकली एर्गोनॉमिकली और ड्राइवर फिट होना चाहिए एंड यू शुड बी एजल फ्री, नॉट ऑन टू द मसल्स में स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। सो दिस बस कम्स विद अ स्टीयरिंग डैम्पनर कि उसमें से वाइब्रेशंस नहीं आते। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि वोल्वो 9600 मॉडल इतनी ज़्यादा लग्जरियस बस है कि पाकिस्तानी लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि कोई बस इतनी ज़्यादा भी मॉडर्न हो सकती है। दोस्तों इस वोल्वो बस के अंदर कुल 10 बिजनेस क्लास की सीट दी गई है जो बेहद ही आरामदायक है, और सीट पर एक अलग से LED स्क्रीन दी गई है जिसमें एंटरटेनमेंट के लिए आप चाहे तो मूवी देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं या फिर गाने भी सुन सकते हैं। वहीं इस LED स्क्रीन की मदद से ही आप बस में जो किचन बनाया गया है वहां से फूड ऑर्डर भी आप अपनी सीट पर बैठकर ही कर सकते हैं। वहीं दोस्तों दूसरे फीचर्स की बात करें तो बस के पीछे एक बड़ा सा किचन दिया गया है जिसमें माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर,
और भी कई आधुनिक सुविधाएं दी गई है। वहीं इसमें एक एरोप्लेन की तरह लग्जरियस वॉशरूम भी दिया गया है। वहीं इस बस में ड्राइवर सेफ्टी का भी बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखा गया है और बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। अगर ड्राइवर को बस चलाते हुए नींद आने लगे तो ऑटोमेटिक सेंसर ये डिटेक्ट कर लेगा और वहाँ पर सायरन बजने लगेगा। वहीं अगर ड्राइवर ने थोड़ी सी भी शराब पी रखी होगी तो यह बस अपने आप डिटेक्ट कर लेगी और बस स्टार्ट ही नहीं होगी। तो दोस्तों, क्या आपने कभी इस प्रकार की हाईटेक लग्जरियस बस में ट्रेवल किया है या फिर नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।